साथ अगली खबर पे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर आज शाम झारखंड कैबिनेट की बैठक होने वाली है। जानकारी के मुताबिक शाम 4 बजे सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और कहा जा रहा है कि बैठक में उन ज्वलंतशील मुद्दों पर फैसला लिया जा सकता है जिन मुद्दों के सहारे विपक्ष यानी बीजेपी शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। हालांकि यह सिर्फ कयास है कि बैठक के बाद ही साफ होगा कि मीटिंग में किन मुद्दों पर मुहर लगी है। और आज की बैठक अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि शीतकालीन सत्र से पहले कैबिनेट की मीटिंग हो रही। 16 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और लिहाजा हाल के दिनों में कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिसमें विपक्ष तेवर में दिख रहा है। और बात 4 सहायक पुलिस कर्मी की हो या फिर ओबीसी को 27वीं आरक्षण देने का मुद्दा है। और अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव चैट पे लगातार जुड़े। रुचि, देखिए आज शाम झारखंड कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। क्या ऐसे प्रमुख विषय हैं जो इस कैबिनेट की मीटिंग में रखे जाएंगे, उठाए जाएंगे और कितना अहम माना जाए झारखंड कैबिनेट की बैठक को? करिश्मा, जो आज की कैबिनेट बैठक है वो अहम मानी जाएगी और इसलिए मानी जाएगी क्योंकि कई जो नियमावली है संशोधन, नियुक्ति नियमावली में जो संशोधन किए जाएंगे उस पर भी चर्चा की जाएंगी। और दूसरी जो कयास लगाए जा रहे हैं करिश्मा, वो यह है कि एटीएस जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है वो किस तरह से यहाँ पर झारखंड में आतंकी गतिविधियों को खत्म करने के लिए, आपराधिक गतिविधियों को खत्म करने के लिए वो किस तरह से यहाँ पर एक्टिव होगी, इस पर भी मुहर लग सकती है करिश्मा। और तीसरी बात जो है वो तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह भी सामने आ रही है कि जो स्वास्थ्य बीमा, जो कि पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा जो मुख्यमंत्री के तरफ से स्वीकृत कर दिया गया है, अब कैबिनेट की मुहर बस लगनी बाकी है। तो जैसे ही उस पर मुहर लग जाएगी तो उस पत्रकार जो है एक बीमा के तरह वो सुरक्षित हो जाएंगे और पत्रकार के जो परिजन है उन्हें भी एक जो मुआवजा राशि है, चूंकि बीमा बीमित जो हो जाएंगे उन्हें मुआवजा राशि मिल पाएगी करिश्मा। तो ये कुछ जो प्रस्ताव है उस पर मुहर लगने के प्रयास लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो कई ऐसे ज्वलंतशील मुद्दे हैं जो इस आज झारखंड कैबिनेट की बैठक में उठाए जाएंगे। चलिए रुचि, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो बता दें